हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिखा भारद्वाज रेसिपीज़। तो आज मैं लाई हूँ एकदम लाइट और टेस्टी नमकीन जो कि बहुत ही झटपट से बन जाएगा। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे। पहले हम अपनी 1 कप मूंगफली यानी कि पीनट्स फ्राई कर लेंगे। तो इसे हम चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेते हैं। देखिए गोल्डन फ्राई हो गई है, तो बस मैं इनको अब निकाल लेती हूँ। ये सारी पीनट्स हम निकाल लेंगे। देखिए हमारे जो पीनट्स हैं अच्छी तरह गोल्डन फ्राई हो गई हैं, इन्हें हम निकाल के रखते हैं साइड पे इस तरह से। और हम बस और इसी ऑयल में हम अपना नमकीन बनाएंगे। मैं बिल्कुल भी और ऑयल नहीं ऐड करूंगी। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, देखिए नारियल जो होता है सूखा नारियल जो होता है जिसे हम गोला भी कहते हैं, उसको मैंने चिप्स की तरह कट कर लिया है इस तरह से, अच्छे लगते हैं इसमें। ये भी हल्का सा फ्राई करेंगे और ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, तो इसको बड़ा ध्यान से आपको फ्राई करना है। बस हमारे नारियल भी फ्राई हो गए हैं, मैं इनको भी निकाल लेती हूँ। तो बस हमने अपने नारियल भी फ्राई करके निकाल लिए हैं। और अब मैं इसी ऑयल में फ्राई कर लेती हूँ अपने मखाने। ये मखाने लिए हैं मैंने, ये 2 कप के करीब मखाने हैं। वैसे बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन अगर डालेंगे तो अच्छे ही लगते हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं नमकीन में। तो इनको भी हल्का सा क्रिस्पी क्रिस्पी सा फ्राई करके निकाल लेंगे। और आपको बिल्कुल भी ऑयल ऐड नहीं करना है, जो ऑयल मैंने स्टार्टिंग में ऐड किया था 2 टेबल स्पून, उसी में हमारी नमकीन बन के तैयार हो जाएगी। तो लीजिए हमारे मखाने भी अच्छे से क्रंची फ्राई हो गए हैं, हम इन्हें भी निकाल लेते हैं। हमारे मखाने भी एकदम क्रिस्पी फ्राई हो गए हैं, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं प्लेट में इसी तरह से। और अब बहुत थोड़े से ऑयल में हम अपनी नमकीन बनाएंगे। इसमें हम डाल देते हैं, देखिए 1 टीस्पून सरसों के दाने, मस्टर्ड सीड्स हैं। जैसे ही क्रैकल हो जाएंगे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये 2 हरी मिर्च को मैंने चीरा लगाया हुआ है इस तरह से, ये ऐड कर दूंगी। और साथ ही ऐड कर देंगे थोड़े से करी पत्ते, हल्का सा फ्राई करेंगे, ऐड कर देंगे थोड़ी सी हल्दी। हमें ये करी पत्ते और हरी मिर्च का मॉइस्चर खत्म करना है, इसको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। मैंने इसमें 2 हरी मिर्च को स्लिट करके ऐड किया है और साथ में कुछ करी पत्ते ऐड किए हैं। इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि इनका मॉइस्चर बिल्कुल खत्म हो जाए। थोड़ी सी हल्दी भी ऐड की है। अब देखिए हमारे हरी मिर्च और करी पत्ते अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, हमारे करी पत्ते एकदम से क्रिस्पी हो गए हैं। तो बस अब इस स्टेज पर इसमें हम ऐड करेंगे अपने मुरमुरे। तो मैंने 2 कप मुरमुरे लिए हैं, मुरमुरे या लाई जो भी इसे आप कहते हैं, इसे ऐड कर देंगे और बस अब मिक्स करेंगे। मुरमुरे आप 2 या 3 कप ऐड कर सकते हैं। अब इन्हें मसाले के साथ मिक्स करते हुए हम हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि जो हमारे मुरमुरे हैं ये भी अच्छे से क्रंची हो जाएं, क्रिस्पी हो जाएं। लो टू मीडियम रखेंगे फ्लेम। इसे जब तक फ्राई करना है जब तक कि एकदम क्रिस्पी क्रंची ना हो जाए। और देख लेते हैं इसको, ये देखिए बिल्कुल ही क्रंची हो गया है, ये तो बिल्कुल रेडी है। तो बस इसमें ऐड कर देंगे बाकी चीज़ें जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी, मूंगफली है, मखाने हैं और ये नारियल हैं। आप चाहें तो इसमें कोई ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। सब कुछ मिक्स करेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे हम और इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। थोड़े से मसाले डालते हैं इसमें, ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काला नमक भी ऐड करेंगे। तो दोनों तरह के नमक ऐड कर रही हूँ मैं, तो ब्लैक सॉल्ट भी ऐड कर दिया। ये चाट मसाला, चाट मसाले की जगह आप अमचूर भी ऐड कर सकते हैं। बस मसाले इसमें मिक्स कर देंगे। तो मैं इसमें लाल मिर्च ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड की हुई है। अगर आप चाहें तो आप लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ी सी इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। बस मिक्स करेंगे, नमकीन बिल्कुल तैयार है हमारी बहुत थोड़े से ऑयल में।
लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारा क्रंची नमकीन जो कि हमने बहुत ही कम ऑयल में बनाया है। तो ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और मैं फिर मिलूंगी आपसे किसी इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। थैंक यू।